Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 10. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2015. अभी हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है। इसमें सबसे पहले आपने तीन लाइनें मुकम्मल करनी है। पहली लाइन में कंपनी का नाम या इदारे का नाम, दूसरे में स्टेटमेंट का नाम और तीसरी लाइन में जिस तारीख को आप ये रिकन्सिलेशन बना रहे हैं वो लिखिए एज ऑन। और वर्किंग में हमने दोनों बुक्स बना ली हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज अ बैलेंस एट द बैंक रुपीज 3800 ऑन 31st March 2015, बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट ऑन द सेम डेट। सरफराज लिमिटेड कंपनी की जो कैश बुक है उसके मुताबिक बैलेंस जो आ रहा है वो 3800 है। कुछ नहीं बताया, फेवरेबल लेंगे। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसका मतलब है जब उसने ये कैश बुक क्लोज़ की तो उसका ये जो बैलेंस आ रहा था इस तरफ लिखा हुआ था और ये आ रहा था 3800। उसने जब इसको पासबुक से कंपेयर किया तो ये फ़र्क आ गया, दोनों आपस में टैली नहीं हुई। यानी इधर 3800 आ रहा था और पासबुक में कोई और बैलेंस आ रहा था। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंस गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने जब इस ये जो डिफरेंस आ रहा था कैश बुक का और पासबुक का इसको चेक किया तो ये चीज़ें पता चली। ट्रेड सब्सक्रिप्शन रुपीस पेड बाय द बैंक, बैंक ने 500 रुपये पे किया ट्रेड सब्सक्रिप्शन। हमारे इदारे ने किसी और इदारे के साथ, किसी बॉडी के साथ, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो उसके सालाना जो है चंदा देना पड़ता है। तो हमने ये जो सरफराज लिमिटेड कंपनी है इसने बैंक को कहा है कि भी तुम हमारे खाते से पे कर दिया करना और हमारे खाते को डेबिट दे देना। उन्होंने ऐसा ही किया तो हुआ ये है कि ये 500 बैंक ने हमारे खाते को डेबिट किया। अब इधर नहीं आ रही है, यानी उधर डेबिट हुआ और इधर क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन इधर ये क्रेडिट में नहीं आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि हमने जब 31st मार्च 2015 को बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो तब ये चीज़ हमें पता चले। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक। और इधर लिख दें डेबिट बैलेंस। कुछ ना बताया हो तो आप इसको फेवरेबल समझते हैं। कैश बुक का या बैंक बुक का ये डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल। अब 500 इधर जो है डेबिट कर दिया बैंक ने, फेवरेबल बैलेंस है तो इसका मतलब है बैलेंस इधर लिखा होगा, उसने इस बैलेंस में से ये 500 माइनस कर दिया। जबकि हमारा जो बैलेंस आ रहा है इसमें ये माइनस नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रूल ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कि जो काम हमने किया है और दूसरे ने नहीं किया तो हम अपने काम को रिवर्स कर लेंगे और जो दूसरे ने किया हुआ है उसको हम कर लेंगे। अब कैश बुक में दो काम किए होते हैं, यानी अगर आप इस बुक को डील कर रहे हैं कैश बुक को, तो एक होती हैं चेक्स अनक्रेडिटेड और एक होते हैं चेक्स अनप्रेजेंट। और इधर दो काम होते हैं, एक होती हैं डिडक्शंस और एक होती है कलेक्शंस। तो अगर आप इस बुक को डील कर रहे हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो ये दो काम आपने रिवर्स करने हैं। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट लिया है पासबुक से तो आपने ये दो काम रिवर्स करने हैं। यानी जो इधर ये दो काम हुए होंगे इधर नहीं हुएंगे। तो आप अगर इसको डील कर रहे हैं तो इसको रिवर्स करें, अगर आप इधर खड़े हैं तो उधर दो काम ये हो चुके हैं तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा। ये पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल था कि जो काम दूसरे ने किया है वो आपने करना है। अब कैश बुक में ये दो काम नहीं होते,
एक ये माइनस वाला और एक ये प्लस वाला, ये डिडक्शन है यानी ये खाते में से काट लिए जाएंगे और ये कलेक्शन है खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अब ये काम इधर, अगर आप इधर खड़े हैं तो इस बुक में ये दो काम नहीं हुए, तो आपको ये दो काम इधर करने पड़ेंगे। और अगर आप इस बुक को डील कर रहे हैं तो इधर ये दो काम तो हो चुके हैं, तो ये दो काम नहीं हुए, तो ये दो काम इस बुक में करने पड़ेंगे। ये इतना सिंपल है, यानी आप ये जेन में बैठा लें कि कौन से काम इधर होते हैं इधर नहीं होते, कौन से इधर होते हैं इधर नहीं होते, तो जिस बुक को भी आप पकड़ेंगे उसमें वो काम कर दें जो नहीं हुए, और जो हो चुके हैं वो रिवर्स कर दें, उल्ट कर दें। अब देखें, यहाँ 3800 था, हमने ये जो बैंक ने हमारे खाते को डेबिट किया, इधर क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट नहीं किया। अब हम इस बुक को डील कर रहे हैं तो ये काम इधर नहीं हुआ तो करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 500, उसने डेबिट किया, हम इधर क्रेडिट करेंगे, इधर लिखेंगे 500 क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस हमारा डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे लेस ट्रेड सब्सक्रिप्शन डेबिटेड बाय बैंक। इसमें से माइनस कर दें, 3300 आ जाए। सेकंड, अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th March फॉर ₹197 हैज नॉट बिन एंटर्ड इन कैश बुक। हमने एक चेक दिया था पार्टी को 197 का, ठीक है, अब वो क्या हुआ, इधर नहीं लिखा गया, यानी हमारे बैलेंस में से कम नहीं हुआ, ये गलती है। हमने पार्टी को चेक दे दिया, वो पार्टी आगे भी चली गई, उसने कैश भी करा लिया, यानी इसमें ये नहीं लिखा हुआ अनप्रेजेंटेड। अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, हमने एंट्री पास करनी थी एडवर्टाइजिंग डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिट करना था इस साइड, लेकिन इसको लिखा ही नहीं इधर, तो ये मिस्टेक है, मिस्टेक हमने दुरुस्त करनी है। बैंक में ये एंट्री जा चुकी होगी, क्योंकि अगर नहीं वो चेक ना गया होता तो वो हमें बता देता नॉट प्रेजेंटेड। तो अगर यही चेक नॉट प्रेजेंटेड होता तो ना हमारे पास लिखा गया ना उधर लिखा गया, तो फिर कुछ भी नहीं करना था। अब उसने कहा है कि आपने ये जो चेक है पे किया है इधर नहीं लिखा, तो अब हम लिख देंगे बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस हमारा क्या है डेबिट है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ये भी माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेस अनरिकॉर्डेड चेक 197। बैलेंस हमारा डेबिट चल रहा है, देखें ये ज़्यादा अमाउंट है, क्रेडिट माइनस हुआ तो फिर डेबिट बच गया, अब ये भी माइनस हो रहा है, इधर बैंक क्रेडिट था तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको भी माइनस कर दें, 3103 आ गया। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹1100 सेंड टू क्रेडिटर्स ऑन 30th March 2015 वर नॉट पेड बाई द बैंक अनटिल 5th April। आपने याद रखना है इस डेट को, जो चीज़ इस डेट तक हो गई ओके, जो नहीं हुई वही अनक्रेडिटेड या अनप्रेजेंटेड। एक चेक है वो 1 अप्रैल को प्रेजेंट होता है, तो 31st March को वो अनप्रेजेंटेड ही कहलाएगा, तो आपने उसको इधर उसी तरीके से डील करना है जो अनप्रेजेंटेड चेक की ट्रीटमेंट होती है 1 को, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एज ऑन, क्योंकि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है अगले दिन जब बनाएंगे तो बदल जाएगी, क्योंकि एक चेक जो है इस तरीके को प्रेजेंट नहीं हुआ 1 को हो गया, तो वो इसमें चेंज आ जाएगा। अभी हमने देखा कि एक चेक दिया हमने ₹1100 का किसी क्रेडिटर को जिसके हमने पैसे देने थे, हमने एंट्री पास की पार्टी नेम डेबिट या क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी इधर क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। अब क्या हुआ, इधर से तो वो माइनस हो गया, इस बैलेंस में से ये जो चेक्स हैं ये ₹1100 के ये माइनस हो गए, हमने फौरन ये एंट्री पास कर दी और जो बैलेंस निकला है ये माइनस होने के बाद, लेकिन इधर ये जो है इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट होने थे लेकिन इधर डेबिट नहीं हुआ। अब ये काम हमारे पास हो चुका है, इधर नहीं हुआ, इधर हम कर भी नहीं सकते क्योंकि ये बुक हमारी नहीं है, दूसरी पार्टी की बुक है, तो इसको रिवर्स कर दें, इधर से माइनस हुआ है तो फिर इसको ऐड कर दें,
हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्लस अनप्रेजेंटेड चेक्स। यानी हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। प्लस करने का मतलब ये है, इधर लिखा है, इधर जब लिखेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट, तो इधर फिर प्लस हो जाएगा। तो ये है अमाउंट 1100 रुपए के, 4203। फोर्थ एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹1680 वर पेड इनटू बैंक ऑन 28th मार्च बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने किसी कस्टमर से चेक लिया और वो बैंक में जमा करा दिया, हमने एंट्री पास की बैंक डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ये है 1680। देखिए हमने फौरन बैंक डेबिट कर लिया, 1680 इधर लिख लिया। जब इधर लिखा था तो ये जो नया बैलेंस निकला है हमारा 38, इसमें ये जमा हो चुके, जबकि इधर ये क्रेडिट होना था, बैंक ने इसको क्रेडिट करना था, लेकिन बैंक के पास आगे से पैसे मिले नहीं, तो जब तक उसको मिलेंगे नहीं वो क्रेडिट नहीं करेगा। यानी इधर ये चीज़ आ रही है, इधर नहीं आ रही, तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। हमने इसको क्या किया हुआ है, प्लस किया है अपने बैलेंस में, अब इसको माइनस कर देंगे। इधर लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स, लास्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹300 नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे जो पैसे पड़े हैं इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर प्रॉफिट लगा, प्रॉफिट बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। अब बैंक का जो बैलेंस है उसमें 300 जमा हो चुका है, हमारा जो बैलेंस है इसमें ये जमा नहीं हुए, बैंक ने क्रेडिट किया, इधर हमारे पास ये 300 डेबिट होने थे लेकिन नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, ये काम हमारे पास नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इधर बैलेंस में जमा, इधर हम अपने बैलेंस में भी इसको जमा कर लेंगे। इधर लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 हमारा बैलेंस निकल आएगा, वो बैलेंस जो बैंक के पास आ रहा है, इसको लिखेंगे बैलेंस एस पर पासबुक। अब ये देखिए हमारा बैलेंस डेबिट चल रहा है, इधर भी प्लस डेबिट, ये भी डेबिट था, प्लस हो गया, ये नया बैलेंस डेबिट आ गया, ये माइनस हुए तो ये क्रेडिट थे, ये माइनस हो गए तो ये डेबिट ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ये इसमें जमा हो गए, ये भी डेबिट, और ये हमारा जो बैलेंस आएगा पासबुक के मुताबिक वो अपोजिट होता है, तो उधर जो है हमारे पास ये बैलेंस जो आ रहा है ये डेबिट है, तो बैंक के पास ये क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी इधर बैंक के रिकॉर्ड में ये बैलेंस आ जाएगा 28, इधर आ रहा है 2823 क्लोजिंग बैलेंस बैंक का, हमारे पास आ रहा था 3800। तो जब हमने ये सारा काम कर लिया तो फिर हमारा बैलेंस भी 2823 आ जाएगा, जो कि बैलेंस के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक शो हो रहा होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।